तो इसराइल और हमास की जंग लगातार जारी है और इस बीच इसराइल की सेना ने दावा किया कि हमास एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी में है। इसराइल की सेना ने हमास के कमांड सेंटर पहुंचने का दावा किया और इसी कमांड सेंटर में इसराइल के बंधकों को रखा गया था, साथ ही वहां से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। और जंग की शुरुआत से ही इसराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इसराइल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। हमास के कमांड सेंटर में इजराइल की सेना, कमांड सेंटर में मिला हमास का वॉर कैलेंडर। इजराइल के खिलाफ फेल हुआ हमास का प्लान। ये देखिए, ये है हमास का वो कमांड सेंटर जिसे उसने उत्तरी गाजा के एक बड़े अस्पताल के नीचे बना रखा था। यहाँ जब इजराइल की सेना पहुंची तो उन्हें तमाम सबूत मिले। एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आए जिससे पता चलता है कि ये ना सिर्फ हमास का कमांड सेंटर था बल्कि यहाँ हथियारों का गोदाम भी था और यहाँ इजराइल से कब्जे में लिए गए बंधकों को भी रखा गया था। हम एक एक करके आपको हर एक सबूत को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमास का वॉर कैलेंडर जो यहाँ कमांड सेंटर की दीवार पर चस्पा था और जिसमें तारीख की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर से, वही दिन जब हमास ने इसराइल पर हमला बोला था और ऊपर लिखा है अल अक्सा फ्लड की लड़ाई। इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए, 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का ये कैलेंडर यहाँ हमास के कमांड सेंटर में मिला। 7 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इस कैलेंडर में तारीखों को काटा गया, क्रॉस का निशान बनाया गया, उसके बाद की तारीखों पर कोई निशान नहीं है। तारीख के साथ कैलेंडर में दिन भी लिखा गया। कहने का मतलब हमास को पता था कि अल अक्सा फ्लड की लड़ाई करीब 2 महीने तक चल सकती है। इस कैलेंडर से ये भी पता चलता है कि 3 नवंबर के बाद यहाँ से आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। अस्पताल में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, IDF ने यहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी थी और इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका था और इसराइल की सेना तेजी से गाजा शहर में दाखिल हो रही थी, लिहाजा हमास के इस कमांड सेंटर पर तैनात आतंकियों को डर था कि वो कभी भी इसराइल के निशाने पर आ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने कमांड सेंटर को बदल लिया। There is a list. This list, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel. यहाँ हमास के तमाम हथियार भी मिले हैं। हथियारों का ये जखीरा छोड़कर जिस तरह से हमास के आतंकी यहाँ से किसी और जगह चले गए वो बताता है कि हमास आतंकी यहाँ से आनन फानन में फरार हुए और हथियारों को यहीं छोड़ गए। देखिए कि इस कमांड सेंटर में जो सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमास के आतंकियों ने बंधकों को रखा था। अल रतीसी अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल में कुर्सी मिली जिस पर बंधक को बांधा गया था। इसके नीचे ही एक तार भी मिला जिससे बंधक के पैरों को बांधा गया होगा। वहीं दूध की एक बोतल भी मिली जिससे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को भी बंधक बनाकर रखा गया था। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले नैपी का पैकेट भी यहाँ मिला। These are explosives.
These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces, among hospitals, among patients. We have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas firing RPGs from hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. अब तक हमास गाजा में इंसानियत की बातें करके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जुटा हुआ था। इसराइल अब इसका जवाब दे रहा है और उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की पोल खोल रहा है। इसराइल ये बताना चाहता है कि कैसे हमास गाजा के उन अस्पतालों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिनमें लोगों का इलाज हो रहा था, जहां पर बच्चे भी मौजूद थे, और इसी जगह को हमास ने अपना सेफ हाउस बना रखा था, अपना कमांड सेंटर बनाकर इसराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा था और यहीं पर बंधकों को छिपा भी रखा था। यानी जंग की शुरुआत में इसराइल जहां तक पहुंचना चाहता था वहां तक पहुंचने में उसे कामयाबी मिल गई है। बतौर इसराइल के मुताबिक उत्तरी गाजा को पूरा कंट्रोल करने के अपने आखिरी चरण में IDF की सेना पहुंच गई है, क्योंकि हमास के कमांड सेंटर तक IDF पहुंच गई है और जल्द ही आकाओं तक भी पहुंच जाएगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला करके 1400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और उन बंधकों को अपने सुरंगों की भूलभुलैया में लेकर चली गई थी, जिसे इसराइल की सेना ने भेदने का दावा किया। इसके साथ ही इसराइल का ये भी आरोप है कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा के सभी अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। और दावा ये भी है कि हमास के इस चाल की वजह से इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं और ठीक वैसे ही आरोप अल रतीसी पे भी लगे हैं। उत्तरी गाजा के अल रतीसी अस्पताल में हथियारों के साथ हमास के वॉर कैलेंडर और बंधकों को रखे जाने के सबूत के साथ ही 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मिली, और तो और हमास के आतंकियों का ड्यूटी चार्ट भी मिला। और इसराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल में इससे बड़ा कमांड सेंटर है जहां इसराइल और हमास की जंग जारी है, और जहां 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड यहां सनवार के भी छिपे होने की आशंका है। तो उत्तरी गाजा में अल रतीसी अस्पताल में किस तरह से हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देख ली है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे अल रतीसी अस्पताल के आसपास हमास का एक कमांडर का घर है और वहीं पर सुरंग का दरवाजा भी है। आपको दरअसल सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ये देखिए, ये सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें जो हम आपको समझाने की कोशिश करें कि कहां पर अल रतीसी अस्पताल के आसपास जो है वो ठिकाने मौजूद है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सुरंग का दरवाजा किस तरफ है। ये देखिए, ये अल रतीसी अस्पताल है। अगर आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो ये अल रतीसी अस्पताल, लेकिन इसके पास स्कूल भी मौजूद है जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दरअसल ये स्कूल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अल रतीसी अस्पताल एक स्कूल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अल रतीसी अस्पताल है और यहीं पर अस्पताल के अंदर हमास के आतंकियों का ठिकाना मौजूद है, जो सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरों में साफ तौर पर पता चल रहा है, क्योंकि ये वो ठिकाना है। और स्कूल के आसपास देखिए कैसे इन आतंकियों ने यहाँ पर सुरंग में जाने का रास्ता बनाया हुआ, यानी कि एक तरफ अस्पताल, एक तरफ स्कूल, और स्कूल से ही रास्ता बना हुआ है ताकि ये सुरंग से जो है अपने अड्डे पर जा सके, और वो सुरंग जो है नीचे जाकर अस्पताल के नीचे बंकर का रूप ले लेती है, जहां पर IDF के मुताबिक बंधकों को रखा गया था, जहां से तमाम चीजें बरामद हुई है। चाहे वो लिस्ट की बात की जाए कि आखिर कौन कौन से बंधक वहां पर मौजूद थे, चाहे मोटरसाइकिल की बात की जाए, ये तमाम चीजें जो है वो मिली है। आज हम आपको देखिए एक और मैप के जरिए ये भी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर अल रतीसी अस्पताल के पास हमास ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, क्योंकि यही वो अल रतीसी अस्पताल है जहां से ये पता चला है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था वो किस तरीके से जो है तैयार किया गया था। ये अल रतीसी अस्पताल का पूरा इलाका, दरअसल ये सैटेलाइट से ली हुई तस्वीर है, जहां पर एक स्कूल है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, सबसे पहले समझिए दो अस्पताल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक स्कूल जो है वो मौजूद है, और यहाँ पर ही UN की इमारत यानी कि UN का दफ्तर भी है, और इन सब के बीच में हमास ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। देखिए कंक्रीट के सामान्य मेहराब वहां पर मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये UN की जो बिल्डिंग है और इसी के ठीक सामने हमास जो है वो अपनी नई सुरंग खोद रहा है, क्योंकि आप ये देखिए UN की जो इमारत है उससे कहा जा रहा है कि एक सुरंग खोदने की कोशिश की जा रही है,
जहां सुरंग के अंदर बंकर बनाने के लिए कंक्रीट के मेहराब और साथ ही स्लैब तैयार करके रखे हुए हैं।